वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो BTS आर्मी। ओ माई गॉड, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज कमिंग फ्रॉम योनचन मिलिट्री कैंप रिगार्डिंग अ फेवरेट के पॉप आइडल जिमिन एंड जंगकुक। नाउ जिमिन एंड जंगकुक विल नॉट सेपरेट। इट हैज बीन कन्फर्म्ड बाय मिलिट्री सोर्सेज जस्ट फ्यू मिनट्स अगो दैट जिमिन एंड जंगकुक विल नॉट बी सेपरेटेड इन मिलिट्री फॉर 18 मंथ्स। दे आर गोइंग टू बी टुगेदर इन द सेम यूनिट, दैट इज यूनिट 5। ऑल्दो दे विल नॉट बी टुगेदर विद Jin would be in different unit after some months, but Jimin and Jungkook will be together from starting to end। बाकी Indian BTS Army आपको ये बहुत बड़ी good news जो अभी अभी Yeonchon Military Center से आ रही है उसे बताऊँ तो अभी कुछ ही देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह मिलिट्री से इस बात को कन्फर्म किया गया है कि नामजून और तेहोंग मिलिट्री में एक साथ नहीं है, वो अलग अलग यूनिट में है। तो फैंस थोड़ा मायूस हो गए थे, लेकिन अब आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज फाइनली कन्फर्म हो चुकी है जो है आपके फेवरेट के पॉप आइडल जिमिन और जंगकुक को लेकर। जी हाँ, आर्मी अभी कुछ ही देर पहले मिलिट्री सोर्सेज ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि जिमिन और जंगकुक जो मिलिट्री में एक साथ इनलिस्ट हुए थे वो एंड तक यानी 18 मंथ की ट्रेनिंग तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, वो अलग अलग नहीं होंगे। अभी कुछ ही देर पहले मिलिट्री से ये डॉक्यूमेंट शेयर किए गए हैं जिसमें इस बात को कंफर्म किया गया है कि BTS सुपरस्टार जिमिन और जंगकुक जो फिलहाल योनचन मिलिट्री सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे हैं वो 18 महीनों तक एक ही डिवीजन में यानी यूनिट 5 में एक साथ रहेंगे। उन्हें सारी पोस्ट, उन्हें सारी ट्रेनिंग एक साथ दी जाएगी। हालांकि उनके ह्यूंग जिन सेम यूनिट में नहीं रहेंगे, वो शायद कुछ महीनों बाद कहीं और पोस्ट कर दिए जाएं। पर क्योंकि जिमिन और जंगकुक ने एनलिस्टमेंट के टाइम ही कंपेनियन ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम चुना था तो वो हमेशा एक साथ ही मिलिट्री में रहेंगे और एक साथ ही बाहर आएंगे। जिन्हें नहीं पता कंपेनियनशिप क्या प्रोग्राम है तो बता दूं कि मिलिट्री में एनलिस्ट होते वक्त आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी कंपेनियन के साथ, किसी फ्रेंड के साथ मिलिट्री में एनलिस्ट हो सकते हो, लेकिन आपको मिलिट्री में फिर बहुत ज्यादा हार्ड डिपार्टमेंट मिलता है, आपको हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है क्योंकि आप अपने फ्रेंड के साथ गए हो। लेकिन जिमिन और जंगकुक ने फिर भी मिलिट्री में हार्ड ट्रेनिंग, हार्ड डिपार्टमेंट को चुना क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। और BTS आर्मी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है जिसे अब ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया गया है।